मारुति सुजुकी का ऑफलाइन कैंपस लगाया जा रहा है, सभी स्टेट कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट करने से पहले आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे हम लास्ट में, उस पर कॉल करके अपनी ट्रेड बता दीजिएगा, अपना स्टेट बता दीजिएगा, फिर आप इंटरव्यू देने जाइएगा। यहाँ पे 3 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी और यहाँ पे वैकेंसी अच्छी है, TW कैटेगरी में आपकी जॉब रहेगी, 27-28 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं, इन हैंड में 20 हज़ार तक बचा लेंगे, 8 घंटे ड्यूटी रहती है और आपको फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, खाना वगैरह बहुत ही बेहतरीन मिलता है कंपनी के अंदर। यहाँ पे अपना वैक्सीनेशन कम्प्लीट रखना है, यहाँ पे पैन कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी है, ये भी आपके पास होना अनिवार्य है। अभी डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, आपका नाम होना चाहिए, तभी आपकी सिलेक्शन होगा, आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है तो आप उसका एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। यहाँ पे वैसे फ्रेशर कैंडिडेट लिए जा रहे हैं तो फ्रेशर के थ्रू जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं प्लीज नोटिफिकेशन लास्ट तक देखिएगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो स्किप मत कीजिएगा यहाँ से, क्योंकि आप डिटेल में जानेंगे नहीं तो इंटरव्यू देने जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्टिंग से ही आपको बताते हैं, कंपनी का नाम आप सभी जानते हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे आपका जो कैंपस डेट है वो भी आप जान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कैंपस डेट आपको बता दी तो आप तुरंत वीडियो स्किप कर दें और चले जाएं, आपको पूरी डिटेल जाननी है। यहाँ पे 16 अगस्त से ये कैंपस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, लिंक मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। उसी के साथ में यहाँ पे 18 अगस्त आप देख पा रहे हैं, 18 अगस्त को 9 बजे के टाइम आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, फिर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम आपका वहीं पे हो जाएगा जहाँ पे ये कैंपस लगाया जा रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे 19 तारीख को आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, मारुति सुजुकी के द्वारा ऑफलाइन इंटरव्यू होगा, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, तो आपको पता लगा इंटरव्यू कब होगा, टेस्ट पेपर कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। डॉक्यूमेंट में आपको पता ही है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, ITI का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इतने डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे आपका हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार बाकी सभी आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम और आपका नाम, किसी भी डॉक्यूमेंट में मिसमैच नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास, पैन कार्ड बनवाइए और जो उसका स्लिप मिलता है उसको लेके जाइए, ठीक है। इंटरव्यू में आपका जो ITI होता है, ITI की थ्योरी होती है, बेसिक वही पूछा जाता है और नॉर्मल फैमिली से रिलेटेड पूछते हैं इंटरव्यूअर। 7 महीने की जॉब रहेगी, यहाँ पे टेम्परेरी वर्कमैन के थ्रू आप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे उम्र 18 से 26 वर्ष होनी चाहिए, 25 साल 10 माह तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो भी यहाँ पे जा सकते हैं। हाई स्कूल में आपकी 40% मार्क होने चाहिए और ITI में 50% या 60% मार्क होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो 27,890 रुपये। यहाँ पे ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे आपकी ड्यूटी होने वाली है। कंसल्टेंट की बात करें तो आप देख पा रहे हैं सन ब्राइट मेन पावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरीके से बीजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या फिर आपका सापर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इनके कंसल्टेंट हैं जिनके द्वारा ज्वाइनिंग होती है, आपका इंटरव्यू प्रोसेस, आपका टेस्ट पेपर, आपका ऑनलाइन जो भी होता है सिलेक्शन प्रोसीजर वो सभी ये लोग करते हैं। उसके बाद में ये कैंडिडेट को भेज देते हैं कंपनी के अंदर और वहाँ पे कंपनी आपको ड्रेस प्रोवाइड करती है, यूनिफॉर्म और कंपनी के बारे में बताती है, ट्रेनिंग देती है आपको, फिर आप जॉब करने लग जाते हैं। आपको खाना बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, बॉयज कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे आपका ओवरटाइम नहीं चलता है, यहाँ पे आपका नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाता है, बर्थडे गिफ्ट मिलेंगे, दिवाली बोनस मिलता है, PF यहाँ पे आपका कटेगा, सुविधाएं अच्छी मिलेगी। आप अगर कंपनी में जाते हैं तो आप यही कहेंगे कि मुझे काश इस कंपनी में दोबारा भी मौका दिया जाए काम करने के लिए। यहाँ पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस प्रोसीजर को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर करेंगे, ठीक है, जो पहले कर चुके हैं सनब्राइट की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन उनको नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंटरव्यू से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लिंक आपको हमने ऊपर भी दिखा दी है, QR कोड से स्कैन कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ना, उनका इंटरव्यू यहाँ पे 18 और 19 अगस्त को होगा, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे 16 अगस्त को ना आए, 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ना करें दोबारा, यहाँ पे 18 को आए डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे और भी डिटेल बताई गई है इंटरव्यू के। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं बहुत ही सावधान रहे, सतर्क रहे, बहुत सारा फ्रॉड होता है उनसे बच के रहे। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि कोई फीस आपको इंटरव्यू के लिए नहीं ली जा रही है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू के टाइम पे फ्री चाय दी जाएगी, आपको खाना भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में इंटरव्यू के दौरान, यहाँ पे लंच के बारे में बताया गया है आपको, ठीक है।
तो जो भी कैंडिडेट जाना चाहते हैं जरूर जाइएगा। नीचे आपको हम कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे जिससे कि आप कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। एड्रेस आपको नहीं समझ आया है तो इस एड्रेस को नोट कर लीजिए, इसी एड्रेस पे आपको पहुंचना है। ठीक, जो फ्रेशर हैं उनको 16 अगस्त को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो पहले रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं सनब्राइट की वेबसाइट पे वो 18 अगस्त को इंटरव्यू देने जा सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, दिलीप कुमार इनका नाम है, तो कॉन्टेक्ट करके आप जानकारी ले लीजिए, उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्शन के लिए जाइएगा। कोई भी डाउट है कमेंट छोड़ सकते हैं। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने जॉब वाले ग्रुपों में, जो व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप हैं जॉब वाले, उनमें शेयर कर दीजिए जिससे और भी दोस्त सही जानकारी पा सकें।